हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई एम अंकुश और मैं ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में 2.5 ईयर से रह रहा हूँ और मैं डीकन यूनिवर्सिटी मेलबर्न से ही पीएचडी कर रहा हूँ राइट नाउ। और मुझे काफी लोगों ने, मेरे नियर एंड डियर्स ने बोला कि यार तुम कुछ ऑस्ट्रेलिया की लाइफ दिखाओ हमें और वी लॉगिंग करो। तो मुझे भी काफी टाइम से हो रहा था कि यार वी लॉगिंग देख देख कर वीडियो यूट्यूब पर, कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, फैसिनेटिंग लगा मुझे बहुत। तो मैं सोचा क्यों ना मैं भी अपना एक वी लॉग शुरू करूँ। तो आपको मैं दिखाऊंगा अपनी यूनिवर्सिटीज और आसपास के एरियाज, और मे बी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भी ऑफशोर हैं उनकी भी क्या पता मैं हेल्प कर पाऊँ इस वीलॉग के थ्रू। और आपको दिखाता हूँ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का क्या लाइफस्टाइल होता है। तो चलो मेरे साथ, आज आपको दिखा कर लाता हूँ मैं अपना यूनिवर्सिटी कैंपस, लेट्स गो। सो चलते चलते मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं जून 2019 में ऑस्ट्रेलिया आया था मेलबर्न में, और यहाँ पर आके मैंने 2 इयर्स की मास्टर्स स्टडी की है, मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। एंड देन लेटर लास्ट ईयर इन अक्टूबर मैंने पीएचडी ज्वाइन की थी इन बायोमेडिकल साइंसेस। एंड राइट नाउ लिविंग नियर टू बर्वुड, बर्वुड कैंपस। सो ये मेरा घर है, थोड़ा यूनिवर्सिटी के पास है। एंड आपको मैं दिखाता हूँ कि लेट मी रोटेट द स्क्रीन। सो ये सामने जो आप देख रहे हो ये यूनिवर्सिटी है, और ये सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। दिस वन इज द बर्वुड कैंपस। एंड डीकन के एक्चुअली 4 कैंपस हैं और एक क्लाउड कैंपस जिसे कहते हैं। एंड ये वाला बर्वुड कैंपस है, और जहाँ से मैंने मास्टर्स की है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, दैट वन इज इन जिलोंग। एंड जिलोंग में 2 कैंपस हैं, वॉन पॉन्ड्स एंड वाटर फ्रंट। एंड देयर फोर्थ कैंपस इज इन वर्नम्बोल, आई कांट इवन प्रोनाउंस दैट प्रॉपरली। तो यहाँ से ये बर्वुड हाईवे है और उसके उस पार ये डीकन यूनिवर्सिटी है, जैसे कि आप सब देख रहे हो। ये सामने आप देख रहे हो ये ट्राम स्टेशन है, तो यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर ट्राम्स काफ़ी आती है और काफ़ी रश होता है वीक डेज में, बट टुडे संडे आज इतना रश नहीं है। तो यहाँ से होकर ये काइंड ऑफ सबवे है यहाँ से। तो ये हम आ गए हैं यूनिवर्सिटी के दूसरे पार। सो उधर से यहाँ से अंडर ब्रिज लिया था और यहाँ से हम ऊपर आ गए। ये देख सकते हैं ये गेट नंबर 2 है यूनिवर्सिटी का, एंड दिस वन इज बिल्डिंग नंबर BC। यस, एंड देयर आर डिफरेंट सिंबल्स हियर, और यहाँ पर हर जगह पेडिस्ट्रियन के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखेंगे। एंड आई लाइक दिस वन, दिस प्लेस। सो यहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स लाइक रैबिट एंड राइनो, डॉग, दे ऑल आर सिटिंग हियर एंड दे आर प्लेइंग। सी, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है प्लेस, यहाँ पर आकर काफ़ी लोग फोटोशूट करते होते हैं। सो हम ये यूनिवर्सिटी के सेंटर में आ गए हैं। तो जो भी आप कैंपस में जाओगे डीकन के, वहाँ पर आपको ये सामने वाइट कलर का जो क्यूब है, इसे क्यूब कहते हैं, ये दिखेगा आपको।
और बहुत ही अच्छा नाइस प्लेस टू सिट हियर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। और ये जो बिल्डिंग है सामने, ये रेड कलर की बिल्डिंग, ये डीकिन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एसोसिएशन की बिल्डिंग है। और यहाँ पर कभी कभार सुबह फ्री ब्रेकफास्ट होता है। और आप हर जगह देखोगे कि यहाँ पर बिन्स लगे हुए हैं, और रिसाइकल एंड रबिश का डिफरेंट बिन होता है यहाँ पर। और अगर आपको कुछ नेविगेट करना है यूनिवर्सिटी में, तो आप यहाँ पर जा सकते हो, डीकन स्काउट है, और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो और डिफरेंट बिल्डिंग्स के आपको यहाँ पर आ जाएंगे मैप। और ये वाटर रिफिल स्टेशन है। और ये अभी सामने से दिखाता हूँ आपको, ये बिल्डिंग एम है। मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम बैठता था पहले जब आता था। और डिकिन का स्टूडेंट सेंट्रल भी यहाँ पर है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स को क्वेरी होती है, देन दे कैन गो टू स्टूडेंट सेंट्रल एंड दे कैन आस्क। एंड ये छोटा सा एक स्टेज है यहाँ पर, जब इवेंट्स होते हैं तो उस टाइम पर काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े होकर अपना परफॉर्म करते हैं। लाइक लास्ट वीक आई सो सम स्टूडेंट्स, दे वर प्लेइंग गिटार हियर। और एक ये आई थिंक दिस वन इज लेक्चर थिएटर, ये सामने लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का भी आपको टूर दूंगा एक दिन। अभी तो मैं अपनी सीट पर जा रहा हूँ जो इन्होंने मुझे अलोकेट की हुई है। इस जगह अगर आप जाओगे तो कॉर्नर कैफे है ये। इट्स नाइस प्लेस टू सिट विद योर फ्रेंड्स एंड यूकेलिप्टस ट्रीज, यू कैन सी दैट एवरीवेयर। और सुबह के 10 बजे हुए हैं एंड सन आप यहाँ बस देख सकते हैं कि पूरी पीक पर है। एंड व्हाट एल्स, ये सामने जो आप देख रहे हो, ये सामने पार्किंग है, दिस वन। एंड दिस वन इज बिल्डिंग BA, जहाँ पर मुझे जाना है। सो क्विकली लेट्स गो हियर, क्योंकि आज संडे है तो यहाँ पर कोई नहीं है। और इट्स अ नाइस प्लेस टू सिट एंड स्टडी, सो लेट मी क्विकली टेक आउट माई डीकन कार्ड। I can't go inside without swiping my card. So, मैं यहाँ पर टैप कर रहा हूँ और ये ग्रीन लाइट हो गई है, इसका मतलब यू कैन एंटर डिफरेंट रूम्स। सो दिस वन इज BA 107 एंड दिस इज वेयर दे हैव गिवन मी माई सीट। मुझे बहुत पसंद आई है ये, क्योंकि एकदम विंडो के पास है और आपको एकदम अच्छा व्यू मिलेगा सामने से। तो मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, और अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, उसमें मैं आपको लाइब्रेरी में लेके जाऊंगा, थोड़ा डिटेल्ड व्यू दूंगा डिकन यूनिवर्सिटी का, और आपको अपनी लैब में भी लेके जाऊंगा जहां पर मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता हूं और जहां पर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।